या बेट अभी झपटे खाएगा। अब तो पूरी गिड़े अब तो पूरी गेंग आ गई है। तो पूरी गेंग है। एक और एक्टिवा पे और का है। तेरे साथ होने हैं और मैं बस काम करती रहे। ओ भाई क्या जाने को नहीं। ये तेरा भाई है। खाला का बेटा है। खाला का बेटा है। काम वो एक्टिवा पे गया ना वो भी है। तू क्या देख रहा था इधर क्या देख रहा था और उधर क्या देख रहा था तू? वो एक्टिवा कर रहा था। एक्टिवा वाला कहां है? वो याद आ ले तो मुझे तू क्या लेके बता कहाँ पे हम बुला लेंगे उसको। तो गाड़ी लेके नहीं भाग रहा था दादी मेरे घर से दूर देखो बोल रहा है बट आसपास में कोई कैमरों को नहीं गिरे अब तक देख लिए ना वो बाहर निकल रही है नहीं हटा तक नहीं घर से लेकर भी मुड़ाओ पे खाओ मैंने जो गाड़ी नहीं है मैं जाने तो मैंने देख तो गाड़ी छोड़ भाग गयो रोज गाड़ी चोरी करने के लिए किसने बोला कहाँ से आ रहे हो तुम कहाँ से आ रहे रोमन में अभी मारेंगे और कहाँ से आ रहे मारो 50,000 छोड़ दे ले जा मुझे मालूम नहीं पापा से बात अरे तुम कहाँ से आ रहे गाड़ी चुरा रही है बेटा चाबी का कहाँ रहता है दुकान में किससे लोग बोल रहे हैं नागपनी में दोनों 900 में खड़ी दुकान है ये चाबी इस चाबी से गाड़ी किसने बोली किसने बोली जल्दी बता भैया ये चाबी सच्ची है मेरी जल्दी बता मेरी दुकान के सामने तुमने फेंकी चाबी को अरे वे मेरी दुकान के सामने चाबी फेंकी चाबी नहीं फेंकी तूने चाबी नहीं फेंकी अभी 1 करोड़ दूंगा मैं खींच के ये क्या लगता तेरे आएंगे नहीं पापा ने तो कह दिया हम तो दुखी हैं फादर से बात करी थी पहले हम तो दुखी दुखी है दे दो पुलिस में तेरा भाई है खाला का बेटा खाला का बेटा मैं घर से निकला था दुकान आने के लिए तो मैंने देखा दो छोटे बच्चे थे जो मेरी गाड़ी लेके जा रहे थे तो मैंने उनका पीछा करा फिर उनको पकड़ा वो पहले अपने आप को अंडरकोट निवासी बता रहे थे फिर बाद में पता करा तो नागफनी निवासी निकले और वो उनके फादर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनका तो रोज का ही काम है इनको आप चौकी थाने में दे दो फिर हम उनको चौकी थाने में देख रहा है चौकी थाने में आपने शिकायत दी शिकायत नोट कराई है उनको कि भाई ये हमारी मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए किस जगह हुई है वारदात ये वारदात राधा विहार हरिभा उपाध्याय नगर में हुई है आपका नाम मेरा नाम भुवनेश यादव है